सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और भाई देखो रूटावेटर की अगर बात करें ना, रूटावेटर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत दिन तो चल रहे हैं कि भाई अगर आप तो ये कह दें कि रूटावेटर की जानकारी देंगे, लेकिन नहीं। लेकिन आज एक ऐसा रूटावेटर जरूर आपने दिखाओगे कि आप अगर उस पर पानी का गिलास भी धर दोगे ना, तो पानी का गिलास भी नहीं हल्लेगा। तो जानकारी देंगे सारी, ऐसा कौन सा रूटावेटर है वो आपने बताओगे। तो भाई ये है वो रूटावेटर, तो इस पर अगर आप पानी का गिलास धर कर भी चलाओगे ना, तो वो भी नहीं हिलेगा। सर आओ एक बार जानकारी बताओ इसके बारे में। तो राम राम सर। राम राम जी सारे किसान दर्शकों को, मेरा राम राम जो आपके चैनल के रहे वीडियो देख रहे हैं जी। सर आपकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, न्यू कहा पानी का गिलास धर देना, तो वो भी नहीं हिलेगा, पानी भी नहीं हिलेगा। आपने ट्रायल भी किया होगा, ये देखा होगा भी आप, तो हम लोग बोलते हैं जी हमारे यहाँ पे चला के, हम तो खुला चैलेंज देते हैं आप रोटावेटर लेके जाओ और चलाओ और देखो, अगर कोई दिक्कत आती है, अगर जो हम बात बोल रहे अगर नहीं हुई तो फिर बताना जी। फर्क ग्लास इसलिए रखा जाता है ना जी, हमने इसकी क्वालिटी पे पैसा खर्च किया हुआ है जी। जी अभी अभी ये देखो रोटावेटर तो ये भी पड़ा है जी। जी अगला बोल देता है किसान जाके, भाई मेरे को रोटावेटर लेना है। अगला बोलता है यार भाई तुम्हारा तो महंगा है, इतने में तो सस्ता मिल रहा है, तो इसलिए हमने एक सैंपल के तौर पे दिखाने के लिए रख दिया आपको। अच्छा भाई सस्ता क्या होता है, क्या फर्क होता है। देखो जी कोई भी बंदा घर से पैसा नहीं देता, हर एक आदमी पैसा कमाई करता है भाई। किसान को ये समझ में नहीं आता, वो सोचता है यार पता नहीं ये इस कंपनी कोई कमाई कम कर रही है। कमाई सबने करनी है जी, जो इसने प्लांट लगाया, खर्चे हैं, उसमें फर्क होता है जी। अभी हम मेनली बात करेंगे, सबसे पहले जो रोटावेटर का हार्ट दिल जी वो है गियर बक्स। ये देखो 11x22 का गियर बक्स है, ये गियर बक्स है। इसको हम 13x23 बोल दे, 11x22 बोल दे, किसान कभी खोल के नहीं चेक करता। एक तो आपने इसको देख ही लिया जी, एक ये अपने वाले को देखो जी, ये इसको देखो फर्क है या भी इसका मैं साइज बड़ा है सर। एक तो साइज बड़ा है जी, एक दूसरी बात क्या है जी, ये प्रॉपर है 13x23। अभी अभी आप किसी से भी पता कर लो, उसको बोलो गेयर कौन सा, वो बोलेगा 13x23, और उसको खुद को नहीं पता होता 13x23 होता क्या है। होता क्या है 13x23 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्राउन होता है जी, यहाँ पे 23 का होता है, यहाँ पे 13 का होता है जी। और वो ये नहीं, अभी एक एक टीथ ही ज्यादा होता है इसका, ये मतलब नहीं। उसका क्या होता है, उसकी जो कह रही उसकी चुड़ाई क्वालिटी अच्छी होती है। जो 11x22 का होता है उसकी डीपी टीथ उसका छोटा होता है। जैसे क्या ये अपन एक तो ऐसे घूम रही है, एक ऐसे घूमेगी, फर्क तो पड़ेगा ना जी। अभी हर कोई बोल देता 13x23 13x23 13। अभी दूसरी बात क्या होती है, ऑयल तो इसमें भी 3.5 लीटर डलता है, उसमें भी 3.5 डलता है, सेम आता है। बड़े में होगा तो वो आराम से एक लेवल मेंटेन होगा, गर्म नहीं होगा, उसमें गर्म भी ज्यादा होता है जी। फिर हम नेक्स्ट बात होती है, ये देखो एक इसको आप हाथ लगाओ ऐसे, ये है 90mm का पाइप जी। अब यहाँ पे आओ, ये तो सर वैसे भी दिख रहा है, ये है 75mm का पाइप। अभी ये क्लंप दिख रहे हैं आपको, अभी ये क्लंप देखो, बिल्कुल फर्क है इसमें बहुत बड़ा। ये डाला तो ये भी है, ये भी है, इसमें नीचे चादर को बेंड करके पतला चादर लगाया हुआ है 2mm का जी। ये प्रॉपर 3mm का नीचे पाइप लगा के चादर लगाया हुआ है, पाइप लगा के मतलब मजबूती के साथ। हाँ ये देखो, ये भी है एक टॉपलिंग, और वो देखो ये तो एक पतली 3mm की चादर ली, उसको लगा दिया, और अब इसको देखो भाई साहब, ये है, ये तो पूरा मजबूत है सर, ये प्लेट है। फिर इसके अलावा सब जगह फर्क होता है जी। जो ये पाइप है, ये 3mm का, ये कभी कोई चेक तो करता नहीं, ये तो बेल्ट हो जाता दोनों साइड से। ये 6mm का पाइप है जी। अभी सबसे मेन बात है जिससे आप बोलते हो भी हमारा रोटावेटर पानी का गिलास रख के क्यों चलता है जी। जी लोग लगाते हैं ये पाइप, हम लगाते हैं ये पाइप, ये है तो 10mm, ये है 5mm। जब ये मिट्टी में चलते है, इसमें बेंड आ जाता है, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, ये इसमें कभी आएगा ही नहीं। ये पुराना पाइप आता है जी, ये कोई नया नहीं है जी। पुराना पाइप भी 90 रुपए किलो आता है जी। जो ये नया पाइप है ये 60 रुपए किलो आ जाता है जी। ये 7 किलो फिट का वजन होता है, ये 4 किलो का होता है जी। आपको मैंने अभी दिखाया भी था अंदर आपको, हाँ, भाई हमारे अंदर बनता है 10mm की मोटाई का पाइप जी।
अभी जो बॉडी की बात है, ये बॉडी है ये अपनी प्रॉपर है 5 mm की है, और लोगों की ये बॉडी होती है 3 mm की, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल पतली है सर ये भाई। देखो जी ये दोनों साइड प्लेटें 8 mm की लगा देते हैं भाई, किसान जेब से जो किसान को होता है मेरे को सस्ता मिल रहा है मैडम, वो सस्ता नहीं होता, वो उसमें सामान ही वैसा लगाया, क्वालिटी डाउन लगाई जाती है बिल्कुल। एक मेन बात ये भी अपनी ये मैकेनिकल सील्स होती हैं जी, इसमें रबड़ की सील होती है, ये देखो यहाँ पे आओ, दोनों भी दिख रहे हैं, ये रबड़ की सील्स होती हैं जी, वो मैकेनिकल सील होती है। रबड़ की सील में मतलब कि खाली ग्रीस लगा के रबड़ की सील लगा देती है, इसमें ऑयल सील होती है, ये कभी लीकेज नहीं होती भाई। ये इन चीज़ों का ही फर्क होता है। हाँ देखो इसमें ऐसे करके हर एक जगह फर्क है, इसमें जो ये देखो ये छोटा सा लगा के शॉकर लगा दिया स्टेफनर, उसमें देखो ये लंबा लगा के ही स्टेफनर लगाया है ताकि ये बॉडी को पूरी को पकड़ ले और मजबूती बन जाए जी, ठीक है जी। और इसके अलावा मैं आपको मैं बात करूंगा इसके जो नट बोल्ट हैं और इसके और नट बोल्ट, दोनों में जैसे ये नट बोल्ट हैं इसमें तो लगा देते हैं जो सिंपल MS नट बोल्ट होता है वो उसको निकल करवा के लगा देते हैं, इसमें सब लॉक नट लगता है सील वाला, और जितने भी ये बोल्ट हैं हर एक जगह 10.9, 8.8 और 12.19 ग्रेड के मिक्स होकर लगते हैं, वो सब पीस के हिसाब से आते हैं भाई। हमने ये नहीं है भाई खाली एक गियर बॉक्स पे ध्यान दिया, हर एक चीज़ पे हमारा टोटली डिफरेंट है, इसलिए हम लोगों को सुजेस्ट करते हैं भी आप बीरबल का रोटावेटर, इसलिए लो क्वालिटी आपके सामने ये देखो। मतलब सर देखो अपने एक देसी भाषा में कहावत का है, अगर कि सस्ता रो है बार बार और महंगा रो है एक बार, बस ये तो बात बिल्कुल बिल्कुल, जैसा गुड़ डालोगे उसा ही मीठा, बस बिल्कुल जैसा आप गुड़ डालोगे वैसा ही मीठा निकलेगा जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये आपकी, मतलब पैसे लगाओ पर क्वालिटी पाओ। ये देखो हमने तो आपके सामने डिफरेंस दिखा दिया जी, ये आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि लोगों का ऐसा होते ही नहीं डिफरेंस उसमें जी, मतलब वो सस्ता भले ही मिल जाएगा लेकिन क्वालिटी। ये अपनी रोटावेटर की 1 साल की फुल वारंटी होती है, सील लीकेज की, गियर बॉक्स की, साइड गियर की फुल वट। एक दूसरी बात और बताता हूँ, ये अपना अंदर अंदर से 8 फिट होता है जी, और ये रोटावेटर नॉर्मल कंपनी को दे 7.5 फिट के होते हैं अंदर अंदर से। अच्छा अभी ये चीजें होती हैं सब, मतलब कि हमारा जो ब्लेड है वो बोर्न स्टील का होता है, वो सादी पत्ती का ब्लेड लगा देते हैं भाई। रोटावेटर में आप जितने मर्जी पैसे बचा लो उतने बच सकते हैं। ये ऑयल है हमारा HP का लगा हुआ है 85W140, इसमें सादा जो गाड़ी की सर्विस कराते समय पुराना तेल निकलता है उसको फिल्टर करके वो लगा देते हैं 80 रुपये लीटर का। ऐसी निकी हर छोटी छोटी चीज से क्वालिटी बन जाती है, ऐसी देखो ये देखो इसकी बॉडी दिख रही है और उसकी भी देखो बिल्कुल, तो एक बार सामने से दोनों इसमें, इसमें वजन में क्वालिटी में हर जगह में फर्क मिलेगा आपको। तो भाई ये है बीरबल का और वो है जो सस्ता लेते हैं। हाँ ये है, ये हमने बनाया है, हमने आपने बनाया मतलब दिखाने के लिए बनाया भाई, ताकि लोगों को पता चल सके भी बीरबल का जो एक्चुअल हमारा हमारे पास ये सिर्फ एक ही पीस है, ऐसा नहीं कि हमने रूटीन में ये दे देते हैं, ये भी इसलिए बनाया क्योंकि हम किसी कंपनी को लगाएंगे अगला बोलेगा यार मेरे को बदनाम कर रहे हैं, हमने इसलिए मतलब कि किसी को करने के लिए डिफरेंस बताने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारा तो आप अंदर भी देखो हमारी फैक्ट्री में कोई बंदा इसके अलावा और गियर बॉक्स नहीं मिलेगा ही, चाहे आप बंदा कोई भी आगे चेक कर सकता है। तो सर मतलब जिस प्रकार से अब ये दोनों आपने दिखा दिए हैं, अब किसी किसान को मतलब लेना है तो यहाँ पर विजिट करे, मैं कह रहा विजिट करके एक एक चीज आप देख सकते हो जी, आप वीडियो को मैं आपको दिखाई दिया सारा प्लांट, आप एक एक चीज वैसे भी देख सकते हो जी, कब मर्जी आओ, मोस्ट वेलकम, दिन रहा हो रात आपको खाना मिलेगा, रहने के लिए जगह मिलेगी, जब मर्जी आओ जी आप, लेकिन क्वालिटी के साथ समझौता मत, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है हमारा बिल्कुल। तो भाई क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं, अगर आपको फिर भी नहीं लग है कि मैं कमी है तो आप पूरी फैक्ट्री अंदर तक जाकर विजिट कर सको। इससे पहले वीडियो में जब हमने सुपर सीडर की बनाई थी तो पूरी की पूरी फैक्ट्री विजिट भी करी थी कि किस प्रकार का माल लगाया जाए, किस प्रकार तैयार कराया जाए, किन किन चीज़ों का किस प्रकार का ध्यान रखा जाए, तो वो सारी चीज़ें हमने दिखाई थी, तो आप देख सको। वैसे रोटावेटर मतलब नई बात नहीं है कि रोटावेटर, क्योंकि काफ़ी समय से रोटावेटर है जो मार्केट में है, लेकिन अगर बात करें तो वो बात है हमारे ताऊ और दादा का आग्रह है, बेरा जीसा गुड़ गेरोगे उसका मीठा हो जाएगा और सस्ता रहोगा बार बार, महंगा रहोगा एक बार, तो सस्ता लेगा बार बार उस चीज ने ठाया अंडोगे, दुखी होगे, तो यह चीज फिर परेशान करेगी। तो एक चीज यह है लोकेशन और बताओ सर, ये लोकेशन अपनी डिस्ट्रिक्ट संगरूर जी,
ये मेन हाईवे है जी, सुनाम रोड चीमा, चीमा है जी हमारा, चीमा मंडी। आप बीरबल चीमा सर्च कर सकते हो जी, ये बीरबल चीमा के नाम से आपको मिल जाएगा जी। तो हम ऑल इंडिया में जी होम डिलीवरी कर देते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सर आपसे फोन पे संपर्क कर सकते हैं, हमारे जो नंबर पे संपर्क करो जी, कोई कंप्लेंट है, कोई मटेरियल चाहिए, सब तरह की फैसिलिटी मिलेगी जी। तो सारी चीज आके देख भी सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारा तो मोस्ट वेलकम है, हमें तो खुशी होती है। अभी आप हमारे पास यूपी से किसान भाई आए हैं, वो भी देख के हैरान हो गए, जो हमने वीडियो में देखा था वही एक्चुअल में है। कहाँ पे हो भाई, उससे बात कर, वो अंदर बैठे हैं जी। राम राम सर। राम राम सर। कहाँ से आए हो सर? एमपी इंदौर। एमपी इंदौर से आए हो, तो दोनों साथ में ही हो। हाँ। नाम और बता दो। सचिन पटेल। तो सर आप क्या लेने आए हो यहाँ पे? रोटावेटर लेने आए। रोटावेटर कैसे पता चला आपको? यूट्यूब पे देखते। यूट्यूब पे देखा, तो यूट्यूब पे जो चीज आपने देखी तो वो चीज आपको यहाँ पे मिली? हाँ मिली। तो जो जो चीजें बताई गई है तो आपने पूरी फैक्ट्री विजिट करके देखी है? हाँ देखा है। तो वही चीज मिली आपको? हाँ वही चीज। तो अब लेके जाओगे आप? हाँ बात चल रही है। चल रही है, मतलब अच्छा लगा? अच्छा लगा है। अच्छा, जो मजबूती के साथ जो चीजें है तो मजबूती के साथ अच्छा लगा है। तो यूपी से आए हो आप? एमपी से। तो ये तो बहुत दूर से आए, मध्य प्रदेश से, बिल्कुल जो भारत का बीच है वहाँ से आए हैं। हाँ। तो भाई सारी चीज आप तो दिखा दी है, अगर आपका फिर भी नहीं रह गया है कि भी इस चीज में कोई कमी है, कोई डाउट आपने, तो इस जगह पे आकर आप तो प्रॉपर लोकेशन भी हमने बता दी है, तो बीरबल चीमा यहाँ पे आकर आप देख सको हो, और जो चीजें बताई गई है कि मतलब किस चीज में कितना फर्क है, तो वो आपने अड़ा कर पता भी चल जाएगा। तो एक बार देखो, विजिट करो, सारी चीज नजदीक तक देखो, जब आपने पता चलेगा। लेने से पहले कोई भी चीज ली जा है तो पैसे लगाए जाए, तो वैसे ही पैसे मत लगाओ, तो एक एक चीज पर फोकस करो, देख कर जाओ, विजिट करके जाओ, जब तसल्ली हो जाए तो लेकर जाओ। तो तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि लोगों ने इन छोटी छोटी चीजों का पता चले कि किस प्रकार से मतलब लोग बहकाते हैं, धोखा करते हैं किसानों के साथ में, जो उनकी खून पसीने की कमाई है उसने वैसे ही खराब करते हैं, ले हैं किसान, लेकिन बाद में मतलब सस्ता सस्ता करके ना, और बाद में परेशान हो जाए किसान, दुखी हो रहे हैं। तो पहले ही चीज तसल्ली तो लो और तसल्ली करो पूरी। तो इसी प्रकार से आपने फिर और जानकारी देंगे नई, तब तक के लिए जय हिंद।